टू देखो, 92 नंबर, सिंपल सा क्वेश्चन है। गौरव राइड्स ए बाईसाइकिल एट द स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर बट स्टॉप फॉर 5 मिनट टू टेक रेस्ट एवरी 12 किलोमीटर्स। हाउ मच टाइम विल ही टेक टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 240 किलोमीटर्स। गौरव 25 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से साइकिल चलाता है, लेकिन प्रत्येक 12 किलोमीटर के बाद विश्राम करने के लिए 5 मिनट तक रुकता है। प्रत्येक 12 किलोमीटर के बाद विश्राम करने के लिए 5 मिनट तक रुकता है। 240 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा? 240 किलोमीटर की दूरी तय करने में गौरव को कितना समय लगेगा बता दो। बेसिक क्वेश्चन है। आया 11 11, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। देखो कितनी दूरी तय करनी गौरव को, अगर वो 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो भैया टाइम कितना लगेगा उसको? 5 से काटा इतना, यानी 9 सही, 3/5। 3/5 का मतलब 9 घंटे 36 मिनट लगे गौरव को। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना। लेकिन उसने क्या बोला, प्रत्येक 12 किलोमीटर चलने के बाद कितने मिनट का विश्राम लेता है? 5 मिनट का। अगर 240 किलोमीटर चलना है, प्रत्येक 12 किलोमीटर पे विश्राम लेता है, तो टोटल कितने विश्राम ले लेगा वो? 20 नहीं लेगा। मैंने कहा अगर 3 खंभे लगाने तो 2 के बीच में 1 और 1 दो ही बार लेगा, तो 20 बार का मतलब है 1 कम, कितनी बार विश्राम करेगा वो? और 1 विश्राम 5 मिनट का है, तो 19 विश्राम कितने मिनट के होंगे? 95 मिनट का। 95 मिनट का मतलब 1 घंटा 45, तो 1 घंटा 45 मिनट इसमें जोड़ देंगे तो कितना जाएगा? 11 बजकर 11 मिनट पर, यानी वो 11 घंटे 11 मिनट में का समय लगेगा उसे, 11 घंटे 11 मिनट का। ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन है। देखो क्लियर है, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 93 पे। एन एम्प्लॉय मे क्लेम ₹7 फॉर ईच किलोमीटर व्हेन ही ट्रेवल बाई टैक्सी एंड ₹6 फॉर ईच किलोमीटर इफ ही ड्राइव हिज ओन कार। इफ 1 वीक ही क्लेम ₹575 फॉर ट्रेवलिंग 90 किलोमीटर, हाउ मेनी किलोमीटर डिड ही ट्रेवल बाई टैक्सी। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। एक कर्मचारी प्रत्येक किलोमीटर के लिए ₹7 का दावा करता है। एक कर्मचारी प्रत्येक किलोमीटर के लिए ₹7 का दावा करता है जब वह टैक्सी से यात्रा करता है, जबकि प्रत्येक किलोमीटर के लिए ₹6 का दावा करता है जब वह अपनी कार से यात्रा करता है। यदि एक सप्ताह में उसने 90 किलोमीटर की यात्रा के लिए ₹575 का दावा किया है, तो उसने टैक्सी से कितनी किलोमीटर की यात्रा की? टैक्सी से कितने किलोमीटर की यात्रा की? भाई बेसिक सा क्वेश्चन है ये, तो मुझे लगता है कराने की जरूरत थी मुझे यहाँ पर, बता दो। चलो फिर आया, ए आया क्या?
नहीं आया, मुझे लगता बताने की जरूरत है मुझे इस क्वेश्चन को। अब तो आपको ऑप्शन भी देने लग गया मैं क्वेश्चनों में, आप तो ऑप्शन से ही बना सकते हो। अब तो कई बच्चे कहते हैं ऑप्शन दो, ले भैया ले ऑप्शन ले, ला ले ऑप्शन ले। देखो सिंपल सी बात, बच्चों वाली बात, टैक्सी मैंने आपको परसेंटेज पढ़ाया उसमें भी क्वेश्चन कराया था, और कार टोटल कितने किलोमीटर चलना है उसे और टोटल कितने रुपए खर्चे उसने, 575 रुपये एक सप्ताह में चलाओ। टैक्सी से कितने रुपए वसूलता है वो और कार से जाएगा तो 6 रुपये। तो मैं इसको रुपए के सिंबल को हटा देता हूँ, समझ रहे हो बात को, क्यों ना मैं इसको परसेंटेज में, मैंने बताया था आपको एक तरीका स्टेप मेथड, इसको ऐसे लिख सकते हैं 6+1। अगर मैं इसको भी 6 पे दूँ, इसको भी 6 पे दूँ, टोटल कोई 6 रुपये पे दूँ, तो 90 किलोमीटर के लिए मेरे पास कितना खर्चा होता, 540 रुपये। हुआ कितना कितना ज़्यादा, क्यों हुआ, क्योंकि टैक्सी कितने रुपए ज़्यादा लेती है, 1 रुपये लेती है। अगर 1 रुपये ज़्यादा लेती है तो 35 किलोमीटर के लिए कितने, 35 रुपये के लिए कितने किलोमीटर जाएगी वो, 1 किलोमीटर पे 1 रुपये ज़्यादा तो 35 रुपये के लिए कितना किलोमीटर जाएगी, तो टैक्सी से कितनी यात्रा की, और कार से पूछता तो 90 में से 35 घटा देते, 45 किलोमीटर। क्लियर है पक्का, 90 में से 35 घटाते तो 55 आता कर, हाँ ए गधो, कार से पूछता तो 55, टैक्सी से पूछता तो 35। कह रहे मैथ के क्वेश्चन में दिक्कत है हमें, है गधो तो बेसिक बेसिक क्वेश्चन है। दे बता दे पंडित जी, बच्चों को क्वेश्चन में दिक्कत हो रही है पंडित जी। 38th क्वेश्चन भाई, मैं कहता हूँ बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, बिल्कुल मेरी तरह है। मतलब 94 क्वेश्चन मिटा दूँ। देखो भैया, अनुराग कैन वॉक ए सर्टेन डिस्टेंस इन 52 डेज, व्हेन ही रेस्ट 10 आवर्स ए डे, हाउ लॉन्ग ही टेक फॉर ट्वाइस द डिस्टेंस इफ ही वॉक ट्वाइस एज फास्ट एंड रेस्ट ट्वाइस एज लॉन्ग ईच डे। भाई बहुत प्यारा क्वेश्चन। अनुराग एक निश्चित दूरी 52 दिनों में तय करता है, कितने दिनों में, 52 दिन, जब वह प्रतिदिन 10 घंटे आराम करता है तो ज्ञात करे वह दुगनी दूरी कितने समय में तय करेगा यदि अब वह प्रत्येक दिन में दोगुनी गति से चले और दोगुना ही आराम करे। प्रत्येक दिन में दोगुनी गति से चले और दोगुना ही आराम करे, बता दो भाई किस किस को आता है, आता भी है, आता है, गर्दन मारो वाला है, नहीं आता है, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन मैं कराऊंगा तो वो सर अब आ गया। देखो बिल्कुल इतनी बेसिक सी बात है, प्राइमरी क्लास वाली, अगर आप समझ पाओगे तो। अनुराग एक निश्चित दूरी कितने दिनों में तय करता है, 52 दिनों में, कितने दिनों में, 52 दिनों में, जब वह प्रतिदिन 10 घंटे आराम करता है। अच्छा एक चीज़ देखो, 10 घंटे आराम करने का मतलब है टोटल दिन में कितने घंटे होते हैं,
24 अगर वो 10 घंटे आराम करता है तो कितने घंटे चला होगा? करीब 12 है, 14 घंटे चला होगा। ठीक है, फिर करे वह, ज्ञात करे वह दुगनी दूरी। कितनी दूरी? दुगनी दूरी। मान लो वो डिस्टेंस चलाओ एक, कितना चलाओ 1 किलोमीटर। आपने, मैंने पढ़ाया होगा टाइम एंड वर्क में MDHW, जो भी काम करते हैं वो नीचे आएगा, बाकी सारी चीज़ ऊपर आएगी। ठीक है, दुगनी दूरी। कितने समय में तय करेगा वह? प्रत्येक दिन। मान लो वह 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, स्पीड कितनी? 1 किलोमीटर। अब उसने बोला है वह दुगनी दूरी। कितनी दूरी? दुगनी। पहले एक थी, अब कितनी है? दो। और कितने दिनों में? हमें डी का मतलब दिन, और अब कितने? पहले से कितना आराम कर रहा है? दुगना आराम कर रहा है। पहले 10 घंटे आराम करता था, अब दुगना आराम, कितना आराम कर रहा है? यानी कितने घंटे काम कर रहे हैं? 4 घंटे, और दुगनी चाल से चले। यही बोला है, 2 से 2 कैंसिल, 4 से, तो 13 × 14 कितने दिन लगेंगे? 182। का भैया देखो, ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं घुमा घुमा के। ये तो हमारे पंडित जी को, कैमरामैन को पूरे क्वेश्चन आते हैं ऐसे। तो मिटा दें? अरे मिटा दें क्या पंडित जी? चलो आप कह रहे हो तो सर हम मिटा देते हैं। चलिए, बाकी आप कहते नहीं तो नहीं मिटाता। क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा? 95। चलो देखो, 95 नंबर। डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस एक्स एंड वाई इज 192 किलोमीटर। डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस एक्स एंड वाई इज 192 किलोमीटर। टू पर्सन ए एंड बी एट सेम टाइम स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम प्लेसेस एक्स एंड प्लेस वाई टू ईच अदर एट द स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर एंड 20 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। इफ एज स्पीड इंक्रीजेज 1 किलोमीटर पर आवर आफ्टर वॉकिंग ईच आवर्स एंड बेज स्पीड इज डिक्रीजेज 1 किलोमीटर पर आवर आफ्टर वॉकिंग ईच आवर देन फाइंड एट हाउ फार टाइम दे विल मीट विद ईच अदर। एक्स व वाई दो स्थान के बीच की दूरी 192 किलोमीटर है। दो व्यक्ति ए व बी एक्स व वाई से बिंदु से एक ही समय पर एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं और वह 12 किलोमीटर व 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से शुरू करते हैं। एक ही चाल प्रत्येक 1 घंटे बाद 1 किलोमीटर बढ़ जाती है। बी की चाल प्रत्येक 1 घंटे बाद 1 किलोमीटर प्रति घंटा घट जाती है, तो कितनी देर के बाद वह मिलेंगे? कितनी देर के बाद वह मिलेंगे बताओ? छः। छः कैसे? देखो, इसने बोला है एक्स पे वाई दो स्थान के बीच की दूरी 192 किलोमीटर। कितने किलोमीटर है? 192 किलोमीटर। दो व्यक्ति और भी एक्स पे वाई से, एक व्यक्ति ए है वो यहाँ से, एक व्यक्ति बी है वो यहाँ से चलना शुरू करते हैं 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और ये 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। इसने क्या बोला है? एक ही चाल प्रत्येक 1 घंटे बाद 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाती है और बी की 1 किलोमीटर प्रति घंटा घट जाती है।
आप इसको दिमाग लगाओ, अगर 1 घंटे के बाद ये 1 बढ़ रही है तो कितनी हो जाएगी, ये 1 कम हो रही है तो, फिर अगले 1 घंटे बाद ये 1 बढ़ रही है, ये 1 कम हो रही है, फिर ये कितनी हो रही है, ये और ये 17 हो गई, तो ये जहाँ 192 हो जाए ख़त्म। देखो 12 और 20 32, 13 19, यहाँ भी 32, यहाँ भी 32, 32 32 64, 32 3 96, यहाँ भी 32, यानी 32 32 आ रहा है ऐसा टोटल हमारा, कितना आ रहा है, 1 बड़ी 1 कम करेगी, दूरी तो वही रहेगी, तो हम इसको 32 से डिवाइड कर देंगे तो कितने घंटे लगेंगे, 6 घंटे नहीं कर देते, एक बार चेक करना तो पड़ेगा, मान लो तो 1 घंटा सेम था, अलग अलग घंटा आ जाए तो अगले में आएगा, देखना है। ठीक है लल्ला, अगला कर लिया घर पे, अच्छा इसलिए कहता हूँ क्लास के अंदर सीरियस है, 39 डेज रह गए, ये तेरी किताब के निकाले हुए क्वेश्चन है, मैंने नहीं बनाए, इतने दिन से तेरे पास ही किताब थी, किताब छोड़ के जाएगा तो क्वेश्चन निकालूंगा, मिटा दूँ, 3 4 टॉपिक के निकाल दिए मैंने, बाकी सबके निकाले मैंने। नौ और छः, देखो भैया 9 और 6 का मतलब 96। डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस एक्स एंड वाई इज 345 किलोमीटर, सेम क्वेश्चन है वैसा ही, 345। टू पर्सन ए एंड बी स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम एक्स एंड वाई, टू पर्सन ए एंड बी स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम एक्स एंड वाई टू ईच अदर एट सेम टाइम एट द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर एंड 20 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। एज स्पीड इंक्रीजिज 2 किलोमीटर पर आवर आफ्टर वॉकिंग ईच आवर। बीज स्पीड इज डिक्रीजिज 1 किलोमीटर पर आवर आफ्टर वॉकिंग ईच आवर। एट हाफ अ टाइम दे विल मीट विद ईच अदर। बहुत प्यारा क्वेश्चन लगा मुझे तो ये, दो व्यक्ति ए व बी क्रमशः है दो स्थान एक्स व वाई से एक ही समय पर क्रमशः है 10 किलोमीटर प्रति घंटा व 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर चलना चलते हैं। एक की चाल 1 घंटे बाद 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ती है और बी की चाल प्रत्येक 1 घंटे बाद 1 किलोमीटर प्रति घंटा घटती है, तो एक्स व वाई बिंदु के बीच की दूरी 345 किलोमीटर है, तो कितनी देर बाद दोनों मिलेंगे, कितनी देर बाद दोनों मिलेंगे भाई बता दो भाई। भाई वाह, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, किस किस को आता है, आता है अभी छोटे लाल, आता है तो मैं वेट करूं, ऐसे ही होगा, चीजें अच्छी लगती जाएं तो मैं नहीं कहता कि शेयर करो, मैं नहीं कहता कि सब्सक्राइब करो, मैं नहीं कहता कि लाइक करो, मत करो, बस अगर आपका एक भी बच्चे का भला हो रहा है इससे तो दुआ मिलेगी मुझे,
जिस बच्चे का भला उसको शेयर करते रहो बस, जो नहीं पढ़ने के इच्छुक, जिसके पास पढ़ाई के लिए पैसा वैसा नहीं, जो मैथ पूरा पढ़ना चाहता हो, बस इस चैनल को उसके पास पहुंचा दो। आप लाइक मत करो, आप कमेंट मत करो, शेयर मत करो, कोई आपके लिए मेहनत कर रहा है उसके लिए कुछ मत करो, मुझे चाहिए भी नहीं आप लोग। बस ये वीडियो उस व्यक्ति तक पहुँचा दो जो वास्तव में सिलेक्शन लेना चाहता है और मैथ पढ़ना चाहता है। देखो एक्स व वाई के बीच की दूरी कितनी है, अरे कितनी दे रखी है, 345 किलोमीटर। एक व्यक्ति तो ए है और एक, ये कितनी स्पीड से जा रहा है और ये कितनी स्पीड से, और ये प्रति घंटा 60,000, यही है। इसकी स्पीड प्रति घंटा कितनी बढ़ती है और इसकी एक घटती है, टोटल कितना है, अगर इसकी दो बढ़ेगी और इसकी एक कम होगी तो कितना होगा टोटल, इसकी फिर दो बढ़ी 14 होगी, इसकी एक कम होगी तो, इसकी फिर दो बढ़ी और इसकी एक कम होगी तो, यानी यहाँ से क्या चीज़ समझ में आ रही है, एक एपी बन रही है हमारी, क्या बन रही है, एक एपी। एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, 30 31 32 33 डैश 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 निकालना, कब तक, जब तक कितना ना आ जाए, 345 किलोमीटर ना आ जाए, यही बताना है, कितना आ जाए, 345। अब आपने पढ़ा होगा SN का फॉर्मूला, किसका, SN का फॉर्मूला, n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू SN, कितना n बाई टू, नहीं पता, 2a, a कितना, 2 गुना 30, n नहीं पता, और d कितने का गैप है सब में, एक लिखने की जरूरत नहीं, लिखना चाहो लिख दो, 345 n बाई टू 60 प्लस n माइनस 1, यही होगा क्या, 345 एन बाई टू है, 60 में से एक गया, यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करोगे तो एन की वैल्यू आ जाएगी 10, कितनी आ जाएगी 10। कैसे, आप ऑप्शन पुट कर लो, आपको ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, देखो पहला ऑप्शन 7, दूसरा 10, तीसरा 4 और चौथा 6 दे रखा, यही दे रखे ऑप्शन 7 10 4 6। अगर आप 7 करते हो, इनके जगह 7/2 पॉइंट में आएगा, हटाओ इसको, 10 करते हो, 10/2 5, और 59 में 10 जोड़ा, 69 को 5 से गुणा करो, क्या यही आ रहा है, दिख रहा है ना, देखना 69, ये दिख रहा है 59 प्लस एन, यहाँ तक, कहाँ तक दिख रहा है, यहाँ तक दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, नालायक। तो कितना आएगा, 300, तो कितनी वैल्यू आ गई, या तो ऑप्शन पुट कर लो यहाँ पे आके, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लो, क्लियर है, बिल्कुल करना पड़ेगा दोस्त, मैं भी देख लूँ, कभी तुम्हारा विश्वास भी नहीं है। आगे बढ़े, कुछ प्यारे बच्चे हमारे, जिनको अब चश्मे की जरूरत है, इस वाले चश्मे की दे दूं, चलो छोड़ो यार, चले आज हम सेंचुरी पूरी करने वाले हैं 4 क्वेश्चन के बाद, मिटा दे,
क्वेश्चन नंबर 97 देखो भैया, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, दुलारा क्वेश्चन है, चमत्कारी क्वेश्चन है, चमत्कारी बीजों की तरह। देखो, टू पर्सन स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम सेम प्लेस इन सेम डायरेक्शन एट सेम टाइम एट एन स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर एंड 8 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। स्पीड ऑफ स्लोअर पर्सन इंक्रीजेज 1/2 किलोमीटर पर आवर आफ्टर वॉकिंग ईच आवर्स। देन फाइंड एट हाउ फार टाइम दे विल मीट। दो व्यक्ति एक ही स्थान से एक ही समय पर एक ही दिशा में क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा व 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना प्रारंभ करते। धीमी गति से चल रहे व्यक्ति की चाल प्रत्येक 1 घंटा बाद 0.5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ती जाती है, तो दोनों कितनी देर के बाद एक साथ मिलेंगे? दोनों कितनी देर के बाद एक साथ मिलेंगे भाई? वह बता दो मुझे। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन लगा भाई, बहुत ही ज़बरदस्त। शाबाश भी बताओ। अरे वाह, इतनी इंटेलिजेंट लड़की भाई, वाह, देखी नहीं हमने कहीं इतनी इंटेलिजेंट। बिल्कुल ठीक है। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है ये, तो बहुत सिंपल सा है, जिसका दिमाग चल गया वो तो तुरंत बता देगा। चलने का मतलब इंटेलिजेंट वाला, वो बोला चलना नहीं। दो व्यक्ति एक ही स्थान से एक ही समय पर एक ही दिशा में क्रमशः है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहे हैं। ये भैया उनकी स्पीड दे रखी है, आपको ना पता हो तो मैं आपका ध्यान इस पर आकर्षित कर दूँ, स्पीड दे रखी है। फिर बोल रहा है धीमी गति से चल रहे व्यक्ति की चाल 1 घंटे बाद 0.5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाती है। कितने घंटे बाद? 1 घंटे बाद 0.5 किलोमीटर। तो तेज वाले का तो कोई मतलब नहीं है, तो हम तेज वाले को मान लेते हैं टाइम टी, तो इसने पूरी डिस्टेंस कितनी तय की? 10 टी। इसकी 8 है, 1 घंटे बाद 8 में 1 जोड़ा 8.5, 8.5 में फिर आधा जोड़ा, 9 में फिर आधा जोड़ा, ये इतना चलता जाएगा, टोटल कितना चलना है इसको? 10 टी। तो एस एन बराबर 2a + n-1 × एस एन का मतलब हमें 10 टी चल रहा है, और एन की जगह हमने क्या ले लिया? टी ले लिया। तो 2a कितना? एन की जगह ले लिया हमने टी इंटू डी। डी कितने का अंतर है? आधे का अंतर। क्लियर है? टी से टी काटा, 10 × 2 = 20, 8 × 2 = 16, 2a+ है ये, 16 + t-1 यानी यहाँ 2 से गुणा है, तो ये 20 में से 16 गए, t-1 को आधा, यही लिखा है यहाँ पे, आधा इधर जाके गुणा होगा तो t-1 = 8, तो t = 8 और 1 = 9 आ जाएगा। कितना जाएगा? 9। तो वो दोनों कितनी देर बाद एक साथ मिलेंगे? 9 घंटे बाद एक साथ मिलेंगे। टाइम बराबर 9 आवर्स आ जाएगा। क्लियर? देखो प्रियंका भी इंटेलिजेंट है, एक नालायक को तुम बिल्कुल ही, कब सीखोगे तुम सब, कब बड़े होगे तुम लोग? भैया मिटा दें, एलएलएम मिटा दें। लल्ला मिटा दें। 98 क्वेश्चन में मेरे को थोड़ा सा प्यारा लगा।
बढ़िया क्वेश्चन लगा मुझे, प्यारा का बढ़िया। अ पर्सन स्टार्ट वॉकिंग एट एन स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर, एंड आफ्टर ईच आवर हिज स्पीड इज 1/2 ऑफ हिज ओरिजिनल स्पीड। अ पर्सन स्टार्ट वॉकिंग एट एन स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर एंड आफ्टर ईच आवर हिज स्पीड इज 1/2 ऑफ हिज ओरिजिनल स्पीड, देन फाइंड हाउ मच डिस्टेंस ही विल कवर अनटिल स्टॉप्ड। एक व्यक्ति 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना प्रारंभ करता है, प्रत्येक एक घंटे बाद उसकी स्पीड अपनी कुल चाल का 1/2 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 1/2 हो जाती है। तो रुकने तक वह कुल कितनी दूरी तय करेगा? भाई बता दो। आया, देखो मैंने एक चीज ये भी बताई होगी, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, प्रत्येक घंटे बाद उसकी दूरी कितनी हो रही है, अपनी दूरी का कितना, 1/2, फिर इसका 1/2, फिर जो बची है उसका 1/2, ये तब तक चलती जाएगी, डैश 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 चलती जाएगी। आप इस चीज़ को समझने का प्रयास करोगे तो समझ में आएगा। यानी SN बराबर आपने एक फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, क्या मैंने आपको बताया होगा, ए अपॉन में 1 - R बताया है, तो लगा दो, पुट करके आंसर निकाल दो, लगाओ शाबाश। मैंने हिंट दे दी, मैं वेट कर रहा हूँ, देखता हूँ किस किस का आंसर आ रहा है। आता है नहीं आता फॉर्मूला? अरे SN बराबर a - R बताया है, बताया ना, जहां पे R लेस देन 1 होता है। यहां से क्या कॉमन ले सकते हो? सी तो बचा क्या, आधे की पावर डैश डैश डैश, यही चलेगा। अगर ए 80 हमारे पास 1 - 1/R, आर कितना, आधा, एक में से आधा गया और ये आधा ऊपर जाएगा, तो AP GP HP के वाले टॉपिक में मैंने तरीका बताया ना, ये तो अब तक याद नहीं रखोगे तो चीज़ें कैसे दिक्कत रहेंगी आपको, समझ में आएगी। तो 160 किलोमीटर दूरी तय करेगा, किलोमीटर में लिखता है, एक से एक चीज़ें लिंक होके चलती है, जब तक आप लिंक होके नहीं पढ़ोगे तो बेटा दिक्कत रहेगी आपको। मिटा दें, अरे मिटा दें, देख बोलना रहा, चल तू कह रहा हो तो मिटा दें। देख भैया 99 को देख, कह रहा है 2 पर्सन स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी एट सेम टाइम इन सेम डायरेक्शन एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर एंड 40 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। फास्टर स्पीड पर्सन रिच्ड पॉइंट बी एंड रिटर्न इमीडिएट टूवर्ड्स पॉइंट ए एंड मीट विद स्लोअर स्पीड पर्सन एट पॉइंट सी। इफ द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी पॉइंट इज
210 किलोमीटर, देन फाइंड डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड सी। दो व्यक्ति ए बिंदु से बी बिंदु की ओर एक ही समय पर क्रम से 30 किलोमीटर प्रति घंटा व 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना प्रारंभ करते हैं। तेज चलने वाला व्यक्ति सबसे पहले बी बिंदु पर पहुंचता है और तुरंत वहां से ए बिंदु की ओर चलता है। रास्ते में धीमी गति से चलने वाले व्यक्ति से सी बिंदु पर मिलता है। यदि ए व बी की बिंदु के बीच की दूरी 210 किलोमीटर हो तो सी बिंदु से बी बिंदु के बीच की दूरी कितनी है? सी बिंदु से बी बिंदु के बीच की दूरी कितनी है? ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है प्राइमरी क्लास वाला। तो विद ऑप्शन क्वेश्चन आ रहे हैं, इसका मतलब अब तो आपको आना चाहिए भाई। पक्का? बिल्कुल डेफिनेटली गलत है भाई। सफेद बाल आने लग गए सर पे, नालायक सिलेक्शन ले नहीं रहे। भाई वाह 30 यार, ये लड़की इंटेलिजेंट हो गई भाई, कुछ भी कुछ। देखो सिंपलेस्ट फॉर्म की बात है, दो व्यक्ति ए बिंदु से बी बिंदु की ओर चलते, ये भैया ए बिंदु है और ये भैया, दोनों व्यक्ति यहाँ से शुरू करते हैं, ये पहला व्यक्ति ये दूसरा व्यक्ति, एक की स्पीड 40 है और दूसरे की कितनी है 30, और बिंदु ए से बी के बीच की दूरी कितनी है, ये डिस्टेंस दे रखी है भैया कितनी। अब क्या किया इन दोनों ने, जो तेज चलने वाला व्यक्ति था, ये जो तेज चलने वाला व्यक्ति था ये यहाँ से चला, तेज वाला यहाँ से चला और चलते चलते यहाँ पे पहुँच गया और तुरंत वापिस भागा जब तक धीमे वाला यहाँ कहीं पहुँचा था, सी बिंदु पर मिला। यानी मान लो ये दूरी x हो बी से सी के बीच की, कितनी मान ली x मान ली, तो तेज वाले ने कितनी तय की, वो यहाँ से यहाँ तक गया 210 तय की और प्लस x तय की, किसकी स्पीड से, तो टाइम उसको इतना ही लगेगा। धीरे वाले ने 210 में से कितनी कम की x, कितनी स्पीड से, तो उसको भी टाइम सेम लगा क्योंकि दोनों एक ही जगह मिले, एक ही जगह रुका तो वो भी नहीं, तो टाइम बराबर। तो तीन को इधर गुणा करो, 630 प्लस यहाँ से करेंगे तो 4x, 4 और 3 7x बराबर, तो भैया x बराबर, तो B से C के बीच की दूरी 30 किलोमीटर थी। बिल्कुल ऐसे ही। और कोई तरीका ये है भाई, 30 और 40 का जोड़कर 70 को 210 से डिवाइड कर दे, फिर वहां से 3 का गैप आएगा, 3 से फिर आंसर निकाल उसको कैलकुलेशन करके। लेकिन उस तरीके को मैं फायदा बताऊंगा नहीं दोस्त, तेरे को नहीं समझा भाई, जितने भी दूरी हो यहां से यहां तक गया, यहां से यहां तक गया, 210 इसने तय की, 210 उसने तय की होगी, यानी दोनों ने टोटल कितनी दूरी तय की होगी, एक यहाँ से यहाँ तक चला एक यहाँ से, 210 कितनी तय की होगी 420, तो ज़्यादा वाले ने 420 गुणा 40 बटे 70, सापेक्ष चाल 70 ऐड होगी नहीं होगी, छोड़ना यहाँ से करोगे फिर कितना निकालोगे, 60 गुना 4 200, कितनी ज़्यादा तय की। लेकिन क्या फ़ायदा है, मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, हर जगह अप्लाई हो जाएगा यार, जुगाड़बाजी नहीं सीखो, दिमाग नहीं खुलता जुगाड़बाजी से। क्लियर है? चलो सेंचुरी पूरी करना चाहते हैं, कर दें पूरी। बेटा एक चीज़ बता दो, इसके बाद जो पार्ट आएगा
अभी तो एक क्वेश्चन और कराऊंगा, इसमें 100वां, इसके बाद जो पार्ट आएगा उसको देखना, जिंदगी में मत भूलना। बहुत ही दासु, बहुत ही गजब, ओनली फॉर मेंस लेवल। देखिए क्वेश्चन नंबर 100, बड़ा ही दुलारा बड़ा ही प्यारा। टू आंट्स ए एंड बी स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट पी ऑन ए सर्कल एट द सेम टाइम विथ ए मूविंग क्लॉकवाइज एंड बी मूविंग एंटी क्लॉकवाइज। दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम एट 10 AM व्हेन ए हैज कवर्ड 60% ऑफ द ट्रैक। इफ ए रिटर्न टू पी एट 10:12 AM देन बी रिटर्न टू पी एट, भैया बी रिटर्न टू पी एट, भाई इतना भयंकर क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन मैंने देखा। दो चीटियाँ हैं, आंट का मतलब चाची नहीं है, ये चीटियाँ हैं, ए एन टी वाला आंट है। दो चीटियाँ ए और बी एक बिंदु से पी से एक ही समय में वृत्त से शुरू होती है, जिसमें ए चलती हुई घड़ी की दिशा में और बी चलती हुई घड़ी के विपरीत दिशा में चलती है। वे पहली बार सुबह 10 बजे मिलती है। जब तक ए 60% ट्रैक को कवर कर चुकी होती है, यदि ए सुबह 10:12 पे पी पर लौटती है, 10:12 पर बजे पर पी पर लौटती है, तो बी पी पर कितने बजे लौटती है, बी पी पर कितने बजे लौटती है बता दो भाई। किस किस को आता है? हाँ भैया मोदी जी आता है। देखो ये दो चीटियां हैं, मान लो यहाँ से पॉइंट पी से शुरू चलती है, कहाँ से चलती है, पॉइंट पी से। इसने बोला है ए और बी एक बिंदु पी से एक समय चलती है, जिसमें ए चलती हुई घड़ी पे, घड़ी ऐसे चलती है, ऐसे चलता सब मान लेता है। ए घड़ी से ऐसे चला यहाँ पे, कितना कवर कर चुका, क्या हुआ 60%। ए 60 कवर कर चुका तो बचा कितना, ये बचा, ये उसको कवर कर रहा है। बी एंटी क्लॉकवाइज, ये तो क्लॉकवाइज था, बी एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के विपरीत, यानी यहां से चला इधर और ये यहाँ पे मिला होगा इससे, ऐसे कितने बजे, 10:12 पर, या ये कहें कि ए 10:12 तक, 10:12 तक बोला है, कुछ और बोला है। वे पहली बार सुबह 10 बजे मिलते हैं, कितने बजे मिलते हैं, 10 बजे। यहाँ पे दोनों मिले 10 बजे। अब देखो 10 बजे मिले, ए 60% कवर कर चुका, बचा कितना 40%। यदि ए सुबह 10:12 पर पी पर लौटता है, यहाँ पे ए कितने बजे पहुँचा, 10:12 पर पहुँचा। तो आप ये चीज़ चेक करो, ए यहाँ तक तो 60% चल चुका है, तो बची हुई डिस्टेंस कितनी होगी, 40%। डिस्टेंस जो होगी वही स्पीड होगी, यानी ए 40% पहले 60 कर चुका था, अब कितनी बच रही है, 40%। यानी स्पीड का रेशियो, डिस्टेंस का भी रेशियो, तो टाइमिंग का रेशियो, तो 3 होगा। यहाँ से 10 बजे मिले और यहाँ 10:12 पर पहुँचा, कितनी मिनट ले ली यहाँ से यहाँ तक उसने, अरे 10 बजे यहाँ मिले, 10:12 पर ए यहाँ पहुँचा, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी मिनट ले ली उसने, 12 मिनट। 2 की वैल्यू 12 मिनट, 40% था, तो 1 की वैल्यू
और तीन की वैल्यू 18 मिनट, यानी जो बी है उसने कितना टाइम लिया होगा, 18 मिनट। कितने डिस्टेंस तय करने में, 40% में 18 मिनट लिया होगा, यानी इसने जितनी स्पीड में इतनी की है, इसने इतनी स्पीड में कितनी की है, 18 मिनट में। फिर आगे क्या कह रहे हैं, तो बी पी पर कितने बजे लौटता है, बी पी पर कितने बजे लौटता है, 40% अगर 18 मिनट में तय कर रहा है बी, 40% 18 मिनट में तय कर रहा है बी, तो बी को आगे कितनी और तय करनी है, तो 60% कितने मिनट में तय करेगा, 18/40 × 60 कितने मिनट में तय करेगा, 27 मिनट। तो 10 बजे दोनों मिले, 10:27 में, ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन है, 10:27 पर बी पी पर लौटता है। क्लियर है भाई, बहुत ही भयंकर, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही प्यारा, बिल्कुल आप लोगों की तरह क्वेश्चन। नहीं दिक्कत है तो दो चीटियां पकड़ना, प्रैक्टिकल करा के देख लेना। क्लियर है, स्क्रीनशॉट फोटो ले रहा है, उसे मैं चश्मा लगा लेता हूँ, फिर फोटो ले, अच्छी आएगी यार। अब ले नहीं ले, चल मत ले भाई, बढ़े आगे। 101 नंबर पे चलते हैं भैया, 101 नंबर और भी दुलारा क्वेश्चन है, और भी प्यारा क्वेश्चन है, और भी चमत्कारी क्वेश्चन है, और भी अच्छा क्वेश्चन है। 101 नंबर, 2 पर्सन स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी एट सेम टाइम इन सेम डायरेक्शन एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड 80 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। फास्टर स्पीड पर्सन रीच्ड पॉइंट बी एंड रिटर्न इमीडिएट टूवर्ड्स ए। ऑन द वे 32 किलोमीटर डिस्टेंस फ्रॉम बी एट पॉइंट सी ही मीट्स विद स्लोअर स्पीड पर्सन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, दो व्यक्ति ए बिंदु से बी बिंदु की ओर एक ही समय पर क्रम से 60 किलोमीटर प्रति घंटा वे 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करते हैं। तेज चलने वाला व्यक्ति बी बिंदु पर सबसे पहले पहुंचता है और उसी समय वह ए बिंदु की ओर लौटता है, और वह रास्ते में बी बिंदु से 32 किलोमीटर की दूरी पर सी बिंदु पर धीमी गति से चलने वाले व्यक्ति से मिलता है। ठीक है, तो ए व बी बिंदु के बीच की दूरी कितनी है, ए व बी बिंदु के बीच की दूरी कितनी है, बिल्कुल बेसिक्स है, बता दो भाई। ये तो मुझे लग रहा है आप लोग इंटेलिजेंट हो, तुरंत बता दोगे। आया, देखो ए और बी बिंदु के बीच की दूरी नहीं पता, हमें निकालनी है। हमने डिस्टेंस मान लिया डी किलोमीटर, एक व्यक्ति 80 की स्पीड से चला यहाँ से, और एक व्यक्ति 80 से चला, तो दूसरा किससे चला, 60 से।
जो तेज दौड़ने वाला व्यक्ति था पहले यहाँ पे पहुँचा और यहाँ से 32 किलोमीटर की दूरी पर सी बिंदु पर किससे मिला? स्लो वाले से, यानी फास्ट वाला यहाँ सी बिंदु पर स्लोवर वाले से मिला। तो फास्ट वाले ने अगर टोटल डी माना था तो फास्ट वाले ने कितनी डिस्टेंस तय की होगी? डी प्लस 32, डी प्लस 32 किसकी स्पीड से? 80। स्लो वाले ने कितना तय किया होगा किसकी स्पीड से? 60 की स्पीड। रेशो 3D, 32 × 3 96, 4D और 32 × 4 128। 3D में से 4D में से 1D किया गया, 96 + 28 128 कितना होगा? तो 224 किलोमीटर। अगर आपने कॉन्सेप्ट सीखा है तो आप कैसे भी आधे क्वेश्चन को छोड़ सकते हो। क्लियर है? 102 नंबर पे चलते हो। चले भैया, रेवती रमन शर्मा, टू पर्सन ए एंड बी वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली एट सेम टाइम टूवर्ड्स ईच अदर एंड दे मीट विद ईच अदर एट पॉइंट पी। दे मीट विद ईच अदर एट पॉइंट आफ्टर मीटिंग दे रीच्ड पॉइंट वाई एंड एक्स एंड सेम टाइम दे रिटर्न टूवर्ड्स देयर स्टार्टिंग पॉइंट एंड अगेन दे मीट्स एट पॉइंट क्यू। इफ ए एंड बी स्पीड आर 30 किलोमीटर एंड 40 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली एंड डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज 700 किलोमीटर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड पॉइंट क्यू। दो व्यक्ति ए व बी क्रमशः एक्स व वाई बिंदु से एक ही समय पर एक दूसरे को चलना शुरू करते एक दूसरे को चलना शुरू करते और वे पी बिंदु पर एक दूसरे से मिलते हैं। बिल्कुल ठीक है। मिलने के बाद वे वाई व एक्स बिंदु पर पहुंच जाते हैं, उसी समय अपने मूल बिंदु की ओर लौटते हैं और पुनः क्यू बिंदु पर मिलते हैं। ए व बी की स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा व 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो तथा एक्स व वाई के बीच की दूरी 700 किलोमीटर हो तो पी व क्यू बिंदु के बीच की दूरी कितनी होगी? पी व क्यू बिंदु के बीच की दूरी कितनी होगी भाई बता दो भाई। बढ़िया क्वेश्चन है, दासू क्वेश्चन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? दासू क्वेश्चन।
अभी बल्ला आ रहा है। हैं देखो, दो व्यक्ति है, ए व बी क्रम से एक्स व वाई बिंदु से एक ही समय पर, ये एक्स पॉइंट और ये वाई पॉइंट है, ये भैया ए है ये भैया बी है, एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते एक दूसरे की ओर, वे पी बिंदु पर मिलते हैं। मान लो यहाँ पे मिले, वो कितने बिंदु पर? पी बिंदु पर मिलते हैं। मिलने के बाद वे क्रम से है, मिलने के बाद वे क्रम से वाई व एक्स पर पहुँच जाते हैं। भाई ये यहाँ से चला, तब तक ये यहाँ से आया, यहाँ मिले दोनों, मिलने के बाद ये यहाँ पहुँच गया और ये यहाँ पहुँच गया। चलो ठीक है, आगे बोलते हैं, और वह दोनों वापस लौटते हैं। जब ये यहाँ पहुँचा यहाँ से वापस लौटेगा, और ये यहाँ पहुँच के यहाँ से वापस लौटेगा, तो दोनों कहाँ मिलते हैं? और उसी अपने मूल बिंदु लौटते हैं, पुनः क्यू बिंदु पर मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? कई बच्चे इधर बनाना चाहिए, क्यू को इधर बना लो, आपके ऊपर कहीं भी बना लो, क्यू बिंदु पर मिलते हैं। यदि ए व बी की स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ए की 30 किलोमीटर है और बी की कितनी दे रखी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो पूछा क्या है इसने, तो एक्स व वाई के बीच की दूरी 700 किलोमीटर, ये डिस्टेंस दे रखी भैया कितनी 700 किलोमीटर, तो बता दो पी व क्यू के बीच की दूरी कितनी है, किसकी पीछे है? पी व क्यू के। अब सिंपल सी बात समझना, अगर मैं यहाँ से ये डिस्टेंस मान लूँ एक्स किलोमीटर, कितनी मान लूँ, तो अब देखो जो ए बंदा है वो यहाँ से यहाँ तक चला होगा 700, पूरा चला होगा 700, और यहाँ से यहाँ तक वापस आया होगा यहाँ तक। बी बंदा है वो यहाँ से यहाँ तक 700 चला होगा और यहाँ तक वापस आएगा, तो कितना चला होगा वो 700 प्लस एक्स, किसकी स्पीड से? ए जो है वो यहाँ से यहाँ तक 700 चला, फिर वो वापस आया यहाँ तक, हमें ये डिस्टेंस पता है नहीं, लेकिन ये तो पता है 700, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 700 प्लस 700 माइनस एक्स, भाई यहाँ से यहाँ तक 700, पूरा वापिस जाता तो 700 माइनस एक्स, यही तो हम पहुँचा। क्लियर क्या है बात, फिर से बताऊँ, मैंने कहा जो बी बंदा है वो यहाँ से यहाँ तक गया कितना 700, वापस आया एक्स तक, और यहाँ पे दोनों मिलेंगे, तो बी ने तय की 700 प्लस एक्स किसकी स्पीड से, ए ने यहाँ से यहाँ तक कितना गया होगा और यहाँ से यहाँ तक बचा, अगर ये पूरी दूरी एक्स है 700 है, यहाँ तक एक्स है, तो बची हुई कितनी होगी 700 माइनस, तो ए ने कितना तय किया होगा किसकी स्पीड से, टाइम दोनों को सेम लगा, 700 700 कितना होता है 1400 माइनस एक्स बटे 3 बराबर 700 प्लस एक्स बटे 4 से करेंगे, माइनस 3 से करेंगे प्लस 3x, 4 और 3 56 में से 21 हो गया, तो x की वैल्यू कितनी 3500, 7 से काटेंगे 3500 को 500, x की वैल्यू भैया यहाँ से कितनी आ गई हमारे पास, अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो x की वैल्यू कितनी आ गई, हमें निकालनी किस किस के बीच की दूरी है, ये दूरी निकालनी, कौन सी दूरी निकालनी है, ये दूरी, या तो आप a में पुट कर दो या b में, b में पुट करते हैं 700 और 500, अरे b यही तो चला था 700 प्लस x, 700 प्लस 500 किस किस स्पीड से, तो कितना आ जाएगा यहाँ से, कितने आ जाएगा 30, क्या लगा उसको घंटे लगे, क्या लगे घंटे, अगर उसको 30 घंटे लगते हैं तो यहाँ से दूरी कितनी लग जाएगी, ये वाली
530 गुणा 10 300, तो ये दूरी कितनी बची? 200 किलोमीटर। कितनी बचेगी? 200 किलोमीटर। क्लियर है? लिख लो इसको। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन भाई, बहुत ही दुलारा क्वेश्चन। क्या है, कौन सा वर्ड यूज किया तूने? अबे पेचीदा क्यों लग रहा है तेरे को, ये बता तू। इसको ऐसे नहीं सोच सकता, अगर देखो जुगाड़ लगाना तो ऐसे लगा ले जैसे मैंने पहले बताया था भाई। सिंपल सी बात है, देख जुगाड़ का, एक बंदा यहाँ से यहाँ तक चला होगा कितना, और दूसरा भी कितना चला होगा, हमेशा डिस्टेंस एक्स से एक्स कट जाता है, डिस्टेंस कितने चले होंगे, और रेशियो तीन और चार का, तीन और चार का मतलब तो गैप कितना आ गया। मैं तो ऐसे मारता हूँ, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ तुम्हें, जुगाड़ थोड़ी बता रहा हूँ। हाँ सही, सब मैं ऐसे कर रहा है भाई, मैं अपने वो थोड़ी बताऊंगा कि पेपर में ऐसे उड़ाना है। उड़ाने वाली चीज़ आधी याद रखोगे, आधी तुम उड़ा दोगे, जब मैं उड़ाऊंगा तुम भी उड़ा दोगे। मिटा दें, एक 103 नंबर देखो भाई। देखो 103 नंबर, टू पर्सन स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी एट सेम टाइम इन सेम डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर एंड 50 किलोमीटर पर आवर। फास्टर स्पीड पर्सन रीच्ड पॉइंट बी एंड रेस्ट देयर 2 आवर्स एंड रिटर्न टूवर्ड्स ए। ऑन द वे एट पॉइंट सी ही मीट्स विद स्लोअर स्पीड पर्सन। Find the distance between point B and point C if the distance between point A and point B is 400 किलोमीटर। दो व्यक्ति एक ही समय पर A बिंदु से B बिंदु की ओर क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटा व 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना प्रारंभ करते हैं। तेज चलने वाला व्यक्ति सबसे पहले बी बिंदु पर पहुंच जाता है। तेज चलने वाला व्यक्ति सबसे पहले बी बिंदु पर पहुंच जाता है और वहां 2 घंटे आराम करता है, और फिर वह अपने मूल बिंदु ए की ओर चलता है, और रास्ते में धीमी गति से चलने वाले व्यक्ति से सी बिंदु पर मिलता है। यदि ए व बी बिंदु के बीच की दूरी 400 किलोमीटर हो तो बिंदु बी व सी के बीच की दूरी कितनी होगी? तो बिंदु B व C के बीच की दूरी कितनी होगी बता दो। सिंपल सा क्वेश्चन है, B और C के बीच की दूरी कितनी होगी? बेसिक सा क्वेश्चन है,
बेसिक सा क्वेश्चन है, खैर ये है ना। देखो सिंपल सी बात है, डिस्टेंस कितनी दे रखी है बीच की, कितनी है 400, कितनी है 400 किलोमीटर ए और बी के बीच की। एक व्यक्ति तो 50 की स्पीड से चल रहा, दूसरा 30 की। फास्टर वाला व्यक्ति ने क्या किया, वो यहाँ से दोनों सेम जगह से चले एक ही दिशा में, वो यहाँ से चला बी पर पहुँच गया, दो घंटे वहाँ पे सो गया, फिर दो घंटे सोने के बाद वापिस चला, जब तक दूसरा स्लोअर वाला बंदा यहाँ पहुँचा, यानी फास्टर प्लस स्लोअर यहाँ दोनों मिले। तो आप ये देखो, अगर मैं इन दोनों के बीच की दूरी एक्स मान लूँ, कितनी मान लूँ, तो फास्टर वाले ने कितनी तय की, ये फास्टर ने तय की, और भैया स्लोवर ने माइनस एक्स। और टाइमिंग की बात की, इसकी स्पीड इतनी और इसकी स्पीड, टाइमिंग सेम लगता अगर ये रुकता नहीं, मतलब आराम नहीं करता, सेम आता। ये कितने घंटे रुका, ये दो घंटे रुका, टू आवर्स। ये तो नहीं रुका ना, मैं दो घंटे इधर लिख देता हूँ, ये दो घंटे रुका, ये तो चलता ही रहा, तो इसको इतना टाइम लगेगा और इसको इतना ही लगा, क्या दोनों टाइम बराबर है क्या? अरे बराबर ही होगा, क्योंकि दो घंटे रुका है और इतना टाइम लिया इसने, जब तक तो ये चल ही रहे ना, तो बराबर सोल्व कर दो। टू आवर्स बराबर 400 माइनस एक्स बटे 30, ये इधर ले जाएंगे, माइनस 400 प्लस एक्स बटे 50। टू आवर्स बराबर 30 और 50 कैल्शियम, 5 से करेंगे, 5 गुना 400 5x, 50 से करेंगे माइनस 3, 3 से करेंगे तो यहाँ से 3 चौक 1200 माइनस 3x, तो यहाँ से 150 गुना 2 कितने घंटे 300, तो यहाँ से 2000 में से 1200 गए, 800 माइनस 5 और 3 8x, तो ये 300 था। अगर इधर लाएंगे हम 300 माइनस माइनस 8x, माइनस 8x बराबर माइनस 500, तो x बराबर 500 बटे 8, तो कितनी 62 किलोमीटर, कितनी दूरी है 62 किलोमीटर। क्लियर है, लिख लो इसको, b और c के बीच की दूरी 62 है। पंडित का तुक्का सही लगता है। दिख रहा है नहीं 62, ये लल्ला ऐसा भी हो तू। एक 104 नंबर पे आ जाओ, मिटा दे। ऐसे बोलते हैं बच्चे भी, जैसे गोल गोल वाली एड आती है ना, बिल्कुल खत्म सिंह की तरह। क्वेश्चन नंबर 104 भैया, टू पर्सन स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी एट सेम टाइम इन सेम डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर एंड 30 किलोमीटर पर आवर। फास्टर स्पीड पर्सन रीच्ड पॉइंट बी एंड रेस्ट देयर 1 आवर एंड रिटर्न टूवर्ड्स पॉइंट ए ऑन द वे। स्लोअर स्पीड पर्सन रेस्ट 1/2 आवर्स एंड मूव टूवर्ड्स पॉइंट बी। बोथ पर्सन मीट्स विद ईच अदर एट पॉइंट सी। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड सी इफ द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इज 200 किलोमीटर। पॉइंट ए एंड बी इज 200 किलोमीटर।
दो व्यक्ति ए बिंदु से बी बिंदु की ओर एक ही समय पर दो व्यक्ति ए बिंदु से बी बिंदु की ओर एक ही समय पर क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा वे 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना प्रारंभ करते हैं। तेज चलने वाला व्यक्ति बी बिंदु पर पहुंचकर एक घंटे आराम करता है। धीमी गति चलने वाला व्यक्ति रास्ते में आधे घंटे का आराम करता है और बी बिंदु की ओर लौटता है। आराम करने के तुरंत बाद तेज गति वाला व्यक्ति अपने मूल बिंदु की ओर लौटता है और रास्ते में धीमी गति वाले व्यक्ति से सी बिंदु पर मिलता है। ए व बी बिंदु के बीच की दूरी 200 किलोमीटर है तो बी व सी बिंदु के बीच की दूरी कितनी होगी बता दो भाई। कितनी होगी? अगर आपने क्वेश्चन पिछले वाला ध्यान से देखा तो बेसिक सा बात है। देखो ए और बी के बीच की दूरी कितनी है? 200 किलोमीटर। दो व्यक्ति है, एक तो 20 की स्पीड से चल रहा है और एक 30 की स्पीड से, तो ये 30 वाला फास्टर होगा। ये यहाँ पहुँचा, कितने घंटे आराम किया इसने? एक घंटा। अगर मैं टाइम की बात करूँ, अगर और यहाँ से वापिस चला सी बिंदु पर मिला स्लोअर वाले से, अब मैं इसको बी और सी के बीच की दूरी कितनी मान लूँ? एक्स। तो फास्टर ने कितनी डिस्टेंस तय की, किसकी स्पीड से? और एक घंटा इसने आराम किया, इतना टाइम लिया। एक ही बोला ना है, फास्टर ने एक घंटा लिया। स्लोअर की बात करेंगे, स्लोअर ने कितनी डिस्टेंस तय की? 200 माइनस एक्स। किसकी स्पीड से? और इसने रास्ते में कितना आराम किया? तो दोनों का टाइम सेम लगा, जब मिले होंगे सब तो सोल्व करेंगे। 200 प्लस एक्स बटे 30 उधर ले जाएंगे इसको ऐसे, 200 माइनस एक्स बटे 20 माइनस 200 प्लस एक्स बटे 30 बराबर एक में से आधा गया, आधा यही टाइम लगा होगा, एक में से आधा गया तो आधा आधा। तो एलसीएम कितना आया 20 और 30 का? 20 से काटेंगे 3, 200 गुना 3 माइनस 30 से काटेंगे 2, 200 गुना 2 माइनस 600 में से 400 गया, माइनस 5x बराबर 30 माइनस 200 यानी माइनस 5x बराबर 30 में से 200 गया माइनस, तो x बराबर 170 बटे 5 कितनी किलोमीटर? तो बी व सी के बीच की दूरी 34 किलोमीटर। क्लियर है ना? नहीं बेसिक क्वेश्चन है ना, फिर काहे मुंह बना रहा था। चले आगे बढ़ते हैं। हम 105 नंबर पे चलते हैं। देखना भैया 50 मिनट की हो गई का, चौंतीस। अच्छा एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, 40 की, इसको छोटी बना देते हैं, क्या फर्क पड़ेगा, 40 मिनट भी बहुत होते हैं। चले मिटा दें। अगर मैं क्वेश्चन लिखवा के कराता तो 2 घंटे में 10 ही हो पाते थे। क्वेश्चन नंबर 105 आएगा ना? हाँ 105। डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस ए एंड बी इज 128 किलोमीटर। टू पर्सन स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम टू पॉइंट ए एंड बी एट सेम टाइम व्हेन दे वॉक इन अपोजिट डायरेक्शन एंड देन दे मीट्स आफ्टर 2 आवर्स एंड व्हेन दे वॉक इन सेम डायरेक्शन दे मीट्स आफ्टर 16 आवर्स देन फाइंड ईच पर्सन स्पीड।
देन फाइंड ईच पर्सन स्पीड। दो स्थानों ए और बी के बीच की दूरी 128 किलोमीटर है। दो व्यक्ति ए व बी बिंदु से क्रमशः एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। जब वे विपरीत दिशा में चलते हैं तो 2 घंटे बाद मिलते हैं, और जब वे समान दिशा में चलते हैं तो 16 घंटे बाद मिलते हैं। तो प्रत्येक की चाल बताओ, प्रत्येक की चाल बताओ। कोशिश करो, कोशिश करने से तो सब कुछ मिल जाता है। धनुष तोड़ा राम ने, कोशिश की सीता मिली। कोशिश नहीं करता धनुष तोड़ने तो कहाँ सीता मिलती? सीता माता भगवान राम को ऐसे तो मिली थी। तो आप कोशिश करोगे एसएससी में नौकरी मिलेगी। सीता माता तो राम जी धनुष तोड़ने के बाद लेके गए थे, मेहनत की थी उन्होंने। अब पेन कॉपी मत तोड़ देना, कुछ नहीं मिलेगा। देखो ए और बी के बीच की दूरी कितनी है? एक दो व्यक्ति मान लिया, एक एक्स और एक वाई। अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में चलेंगे तो रिलेटिव स्पीड होती है माइनस। सेम में चलेंगे तो क्या होगी? माइनस। अगर अपोजिट में चलेंगे, विपरीत में, तो क्या होगी? दूरी 128 रहेगी। सेम में चलते तो कितने घंटे लेते हैं? तो कितनी साल से चले होंगे? 64 किलोमीटर पर आवर की। अपोजिट में चले तो कितने घंटे लेते हैं? तो कितनी रही होगी? अगर मैं सोल्व करूं यहां से, वाई से वाई कट गया, 2x बराबर 64 और 8 दोनों को जोड़ने पर 72, तो एक्स बराबर 36 किलोमीटर पर आवर। एक्स 36 आ गया, दोनों की 64 है, एक्स 36 है, तो वाई कितना आ जाएगा यहाँ से? 64 में 36 गया, कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी है, 36 और 28। देखो ऑप्शन नंबर सी है, क्लियर है बेटा? अब आपके पास एक टाइप रह गया जो मिलेगा आपको 1 घंटा 10 मिनट के करीब का, 10 या 15 मिनट का। इसका लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप है। मैंने फेर बार बोलता हूँ, वीडियो को लाइक मत करो, शेयर मत करो, सब्सक्राइब मत करो, कुछ मत करो, लेकिन ये वीडियो उस बच्चे तक पहुँचाओ जो बच्चा फीस दे के मैथ नहीं पढ़ सकता है, तैयारी नहीं कर सकता, उसके लिए वीडियो। बाकी आप लोग देख तो अच्छा है, ठीक है? मैं आपको ना शेयर लाइक कमेंट कुछ करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मत करो आप लोग। चलो मिलते हैं अगले पार्ट में, सिर्फ लास्ट पार्ट बचे है इसका एक और, उसमें मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, उसका भी ध्यान रखिए। बाय बाय।